तो और भाई लोग क्या हाल है। तो लेके आ चुके एक न्यू वीडियो, और आज की इस वीडियो में मेरे पास है पोको X6 प्रो, और इस काम करने वाले हैं बैटरी का डेंट टेस्ट। और इस स्मार्टफोन के साथ में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और इस स्मार्टफोन को भी खरीदे हुए 1 हफ्ते का ही टाइम हुआ है, और जो इसका जो वेरियंट है वो 8GB 256GB का है। और बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो बेस वेरियंट में आपको 8GB 256GB आपको लगभग जो है 25,000 के समथिंग देखने को मिलेगा। तो अभी इसका जो बैटरी का डेंट टेस्ट करने वाले हैं वो BGMI खेल के करने वाले हैं, सिर्फ BGMI में। और अभी मैंने सबसे पहले इसको 100% चार्ज करके रखा है, तो अभी आप एक बार देख लो, इसको 100% चार्ज कर रखा है, ठीक है। और अभी जल्दी से बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, शॉर्ट में आपको बता दूंगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें हमें 120Hz की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, और इसमें जो प्रोसेसर दिया हुआ है वो है MediaTek Dimensity 8300 Ultra, तो काफ़ी सही प्रोसेसर है गेमिंग के हिसाब से। और इस स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी दी हुई है, जो कि 67W के फास्ट चार्ज के साथ 45 मिनट में इसको 100% चार्ज कर देता है। भाई लोग ये तो कहना है कंपनी का, अभी मैंने तो ट्राई किया नहीं है, और अभी मैंने इसको OS वर्जन 1.0.7 पर ऑलरेडी अपडेट कर लिया है। और काफ़ी सारे भाई लोग इसके मदरबोर्ड के बारे में बातें कर रहे थे कि इसमें जो इशू आता है डेड हो जाता है, तो अभी देखते हैं और एक दो महीने यूज करके देखता हूँ, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा। और वैसे आपको इसका BGMI टेस्ट लगभग आपको देखने को मिलता ही रहेगा। और इसकी ग्राफिक सेटिंग है वो स्मूथ में 90 FPS, और अपडेट होने के बाद एक बार आपको दिखा देते हैं, अभी मैंने इसको अपडेट कर लिया है, तो एक बार आपको चेकआउट करके दिखा देते हैं कि अभी ग्राफिक सेटिंग इसकी क्या है। तो एक बार आपको दिखाते हैं, स्मूथ में स्ट्रीम प्लस हो गया है। वैसे मेरे हिसाब से मैंने गेमिंग करी है, मुझे 19-20 का फ़र्क तो लगा है, लेकिन ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इसका जो 90 FPS वाला स्मूथ था उतना ही लगभग इस एक्सट्रीम प्लस में है, ज़्यादा मुझे कुछ फ़र्क लगा नहीं है। तो अभी जल्दी से आपको एक बार सेंसिटिविटी दिखा देता हूँ अपनी, कि मेरी सेंसिटिविटी क्या है। तो ये लेंस वाली है, मैंने इसको कुछ छेड़ा भी नहीं है, तो एक बार आप देख लो ये भी। और अभी जो मैन हम यूज करते हैं वो जायरो की है, तो एक बार आपको जल्दी से जायरो की दिखा देते हैं। तो ये रही हमारी जायरो की सेंसिटिविटी, जो कि मैंने थोड़ी बहुत सेट करी थी, और ये पूरी तरह से सेट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अभी इसी पे ही खेल रहा हूँ। और ये सेंसिटिविटी हमारी ADS की है, तो आप लोग देख सकते हो। तो अभी वापस चलते हैं वीडियो पे। तो अभी हम इसका बैटरी का डेंट टेस्ट करने के लिए रेडी हैं, और स्टॉप वॉच भी बिल्कुल रेडी है। और अभी भाई लोग आपको एक बार इसकी बैटरी दोबारा से दिखा देते हैं कि कम हुई है 1% 2% की नहीं। तो इसकी जो बैटरी है वो अभी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, और इसका ब्राइटनेस लगभग 95% 90% दोनों वॉल्यूम और ब्राइटनेस रखा हुआ है, लेकिन 15 मिनट की गेमिंग बाद इसको मैं फुल कर देता हूँ। तो अभी इसमें सबसे पहले कुछ स्टेडियम के मैच खेलेंगे, और साथ में क्लासिक के मैच भी खेलेंगे, और सबसे पहले 1 घंटे में देखेंगे कि इसकी बैटरी कितने परसेंट ड्रेन होती है। ये बंदा तो मोपे नेड मार गया यार। तो अभी मैंने 1 घंटे की गेमिंग कंप्लीट कर ली है, एक बार इसकी बैटरी दिखा देते हैं कि कितने परसेंट कम हुई है। तो जल्दी से आपको दिखा देते हैं। तो अभी मैंने 1 घंटे की गेमिंग करी है, और 80% बैटरी जो इसमें बची है, तो 20% का ड्रेन हो गया 1 घंटे में। और अभी सीधा इसको 50% तक ड्रेन करेंगे, और देखते हैं कितने घंटे की गेमिंग कर पाते हैं। तो अभी जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो 90 FPS पे कर रहे हैं, और अभी तक हमें कोई लैग देखने को नहीं मिला। It's safe here. Got it. Save me. Help. एक टीम में तो निकाल लिया भाई, एक को बचाना जरूरी है। तो अभी इसको भाई साइड में ले जाके ऑप्शन में भाई इसको रिवाइव करते हैं। बस हम फट जाना बाइक के लिए उनमें तीर तो ऐसे काम की तो दे कोड साथ है। लो
लो भाई चिकन डिनर भी हो गया। तो अभी हमारा जो है 2 घंटे हो गए पूरे कंप्लीट गेमिंग करते हुए, और उसकी जो बैटरी है वो 49% बची हुई है। तो उस हिसाब से भाई 2 घंटे से 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा गेमिंग हो गई, 2 घंटे 13 मिनट की तो गेमिंग हो ही गई है। तो भाई लोग 2 घंटे की गेमिंग में इसने 50% बैटरी ड्रेन करी है 100% वॉल्यूम और 100% ब्राइटनेस के साथ सिर्फ VGMI में। और इसका जो 100-0% का बैटरी का ड्रेन टेस्ट है वो भी बहुत जल्द लाने वाले हैं। अभी मैंने 50% तक ही किया था और इसमें मुझे 2 घंटे की गेमिंग में 90 FPS ऑन करके मैंने खेला था, 90 FPS पे खेला था, हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, ना इसमें ओवर हीटिंग हुआ और ना इसका फ्रेम ड्रॉप ज़्यादा हुआ। हाँ 19-20 का फ़र्क हो सकता है लेकिन ज़्यादा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। तो भाई लोग आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।